अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप सब लोग ठीक हैं तो जी स्टूडेंट्स हमने एक फ्री पास्ट पेपर्स सेशन का आगाज किया है जिसके ज़रिए हम आपको एफ पी एस सी एन टी एस और पी पी एस सी के दो हजार तेईस दो हजार बाईस दो हज़ार इक्कीस और दो हजार बीस के जो पास पेपर्स हैं जी वो करवाएंगे इस सेशन का आगाज हम पच्चीस दिसंबर दो हजार तेईस से कर चुके हैं जो स्टूडेंट्स ये वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे सेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है उसको ज्वाइन करके सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल हो सकते हैं इस सेशन की जो प्रीवियस वीडियो है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है जी, जिसका नाम है पीपीएससी 2023 फ्री पास्ट पेपर्स सेशन ठीक है जी वहां पे देख सकते हैं आप आज हम इस सेशन में ППएससी 2023 पास्ट पेपर्स में से जो है जी वो पांचवा पेपर करने जा रहे हैं ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं जी हम पेपर को अच्छा स्टूडेंट्स पिछ, पिछले लेक्चर के अंदर पिछले पेपर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हम देखेंगे कि बाज दफा कुछ ऐसे भी पेपर होते हैं जो हमें करने की जरूरत ही नहीं होती यानी कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो जीके का पोर्शन होता है स्पेसिफिक चीजें हमें वो करनी होती हैं ठीक है जी क्योंकि जो लोग वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना तो वन पेपर की तैयारी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ जीके के रिलेटेड है तो उनको इस तरह के पेपर के अंदर से सिर्फ और सिर्फ जो जीके का पोर्शन होता है वही एक्सट्रैक्ट करना होता है तो ये हमारे पास पेपर है जी असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट बजट एंड ठीक है जी अकाउंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर ऑडिट ऑफिसर बी एस सेवनटीन का ये पेपर है जी तो ये

क्वेश्चन नंबर भी से नहीं है ये बिल्कुल नहीं करने आपने। तो हर पेपर के अंदर हर क्वेश्चन नहीं नहीं करना आपने कुछ छोड़ने भी होते हैं स्मार्ट स्टडी करनी है चले जी अब हम बाकी क्रॉस अब आपको आइडिया हो गया होगा तो अब हम देखते हैं जी कि हमने क्वेश्चन करने कौन से इसमें से क्वेश्चन नंबर आप थर्टीन पे आ जाएं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करना है जी आपने नाफ्टा ये देखें कि ये अभी हमने जो है ना वो कल पेपर किया उसके अंदर जो ये नाफ्टा है जी ये क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है जी तो नाफ्टा का क्या मतलब है है जी जी नाफ्टा का मतलब नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑप्शन सी इसका आंसर है ठीक है जी ये जीके का क्वेश्चन है जी ठीक है जी उसके बाद आप आ जाए जी ट्वेंटी तक कोई भी नहीं है फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास और इधर थर्टी टू तक कोई क्वेश्चन नहीं है ठीक है जी उसके बाद जी थर्टी टू तक भी नहीं है थर्टी थ्री तक भी नहीं है थर्टी फोर फाइव सिक्स नहीं करने जी और थर्टी सेवन भी नहीं करना जी और थर्टी नाइन फोर्टी नहीं करना जी फोर्टी टू भी नहीं करना हाँ फोर्टी थ्री देख लें जी वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप बाय सिलेक्टिंग नो आउटलाइन ऑप्शन बी इसका आंसर है कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी उसके बाद 44 देखें जी द बेस्ट वे टू इंसर्ट आ में इसका आंसर है जी स्लाइड हाँ जी बिल्कुल यही है स्लाइड शॉर्टर व्यू ऑप्शन सी इसका आंसर है द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज द स्लाइड शॉर्टर व्यू ठीक है जी ऑप्शन सी आंसर है जी इसका उसके बाद फोर्टी फाइव देख लें विच ऑफ नॉट अवेलेबल इन टास्क है जी 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 तो वो word art है, है, है है। है ये भी 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 आपने करना कंप्यूटर का क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका आंसर उसके बाद नेक्स्ट आ आ छोड़ छोड़ दें, 47 भी छोड़ दें, 48 पे शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक ठीक है जी manual line break? जी तो manual line break के लिए की है जी, shift plus enter. पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल प्लस एंटर होती है तो यहां पे वो पूछ रहा है कि मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए तो वो है जी ऑप्शन बी इसका आंसर है शिफ्ट प्लस एंटर कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी उसके बाद फिफ्टी भी छोड़ दें फिफ्टी वन भी छोड़ दें फिफ्टी टू भी छोड़ दें फिफ्टी थ्री भी फिफ्टी फोर पे आ जी वट डज एफ स्टार टू इन एम एस वर्ल्ड तो इसका मतलब है जी ऑप्शन ए फाइव रोज और टू कॉलम्स ऑप्शन ए इसका आंसर है जी ठीक है जी ऑप्शन ए इसका आंसर है उसके बाद जी फिफ्टी फाइव भी करना है जी ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है वट हैपन इफ यू सेलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड तो फिर जो तीसरी स्लाइड होगी वो एज अ न्यू स्लाइड के तौर पे एंटर हो जाएगी अ न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज अ थर्ड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन ऑप्शन सी आंसर है जी इसका उसके बाद फिफ्टी सिक्स देखें हु क्वाइंट द नेम ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन का नाम किसने तजवीज किया तो एफ डी रोज वेलेट ठीक है जी FD, ने किया ऑप्शन बी इसका आंसर है है ठीक जी और ये जो उसके बाद गेव मोनिट्री पॉलिसी इन पाकिस्तान तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना जी वो मोनिट्री पॉलिसी दिया जी ये जीके का क्वेश्चन है ऑप्शन ए आंसर है जी इसका. उसके बाद 61, ये छोड़ दें जी? 62 भी छोड़ दें थ्री ये करेंगे इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन एक्सीक्यूटिड जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं उसमें इंस्ट्रक्शन किस तरह जो है ना वो होती हैं तो पैराल फॉर्म में भी होती हैं और सीक्वेंस वाइज भी होती हैं सिक्वेंशली भी होती हैं तो ऑप्शन सी इसका आंसर है बोथ ए एंड बी ठीक है जी सिक्सटी फोर छोड़ देंगे जी 65 भी छोड़ देंगे सिक्सटी सिक्स देखते हैं RAM RAM कहां पे है जी तो ऑप्शन ओलंपिक गेम्स इन पाकिस्तान ने सबसे पहले कब जो है ना जी हिस्सा लिया था ओलंपिक गेम्स में तो 1948 में हिस्सा लिया था ऑप्शन बी इसका आंसर है और ये जो है ना जी वो पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर आप इसको रखें जी उसके बाद 68 एट समी खान वाज द प्लेयर ऑफ समी खान किसके प्लेयर है जी तो ये हॉकी के प्लेयर है ऑप्शन बीस का जीके का क्वेश्चन है 69 छोड़ देंगे जी 70 भी छोड़ देंगे 71 भी छोड़ देंगे 72 भी 3 बी 74 फोर देखे जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर स्प्रेड शीट इंटरफेस इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कंप्यूटर स्प्रेड इंटरफेस का हिस्सा नहीं है ठीक है जी

टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टून फॉर द प्रेजेंटेशन इज तो उसको हम टाइटल स्लाइड बोलते हैं जिसमें आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ठीक है जी प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे होते हैं उसकी टून सेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप कौन सी स्लाइड जो है ना जी वो uh, करते हैं जी तो वो टाइटल स्लाइड है ऑप्शन सी इसका आंसर है कंप्यूटर का क्वेश्चन है वेन वर्ल्ड वार टू एंड इट वर्ल्ड वार टू कब खत्म हुई है जी तो 1945 में वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है 79 डैश इज अ पाकिस्तानी हु हैज बीन जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ये लुबना सलीम साहबा है जी जो एज अ जूरिस्ट हैं और ये आ, पाक, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर बतौर जज लगी हैं ठीक है जी ऑप्शन बी इसका आंसर है करंट अफेयर का क्वेश्चन है एटी छोड़ देंगे जी 81 देखें द प्राइमरी परपज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज जो प्राइमरी परपज है एक ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का वो क्या है जी टू मेक द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है जी के जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करता है जी उसको बड़ा एफिशियंट तरीके से उसको उसकी वर्किंग करवाता है 82 छोड़ देंगे जी 83 83 भी नहीं करना जी 84 भी नहीं करना 85 भी नहीं करना जी एट्टी सिक्स भी नहीं और एट्टी सेवन भी नहीं एटी एट देखेंगे एक जो एक एक टैग लगा होता है सेल के ऊपर वो कब रिमूव करते हैं ठीक है? है जी व्हेन द डाटा इन द सेल इज चेंज्ड और डिलीटेड ठीक है जी ऑप्शन डी इसका आंसर है कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी एटी नाइन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू पेस्ट पेस्ट सेलेक्टिवली पेस्ट स्पेशल कमांड तो पेस्ट स्पेशल कमांड के जरिए आप क्या कुछ पेस्ट कर सकते हैं तो वैलिडेशन भी फॉर्मूला भी, को छोड़ देंगे इंग्लिश का क्वेश्चन है A एक ऐसी जो दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं जी उसको हम एक्सटेम पोर बोलते हैं ऑप्शन ए इसका आंसर है इंग्लिश का क्वेश्चन है

इन्फॉर्मेशन इवन आफ्टर पावर इज रिमुड तो उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी, है भी चली जाए तो हम उसको डाटा रिटेन कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं जी नॉन वोलाटाइल मेमरी बोलते हैं उसके बाद नाइनटी सेवन इलेक्ट्रॉनिक मैग्निफाइड इन्फॉर्मेशन इज कार्ड जो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक मैग्निफाइड इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं जी तो ई e कॉमर्स भी नहीं है जी डिजिटल बिजनेस भी नहीं है जी ये नन ऑफ दीज है मेरे ख्याल में ना इधर ऑप्शन होगा हाँ जी नन ऑफ दीज है ऑप्शन डी इसका आंसर है ठीक है जी उसके बाद जी नाइन्टी एट भी आप छोड़ देंगे जी नाइन्टी नाइन द फर्स्ट नेटवर्क वाज कार्ड जो पहला नेटवर्क है उसको क्या बोलते हैं जी उसको आर्पा नेट बोलते हैं ठीक है जी ऑप्शन सी इसका आंसर है कंप्यूटर का क्वेश्चन है उसके बाद जी जो क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है ना आपके पास ये भी आप स्किप कर देंगे जी ये भी करने की जो है ना वो जरूरत नहीं है ठीक है जी तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ये पांचवा पेपर भी कर चुके हैं जी तो स्टूडेंट्स इन अब हम कल छठे पेपर के साथ मिलते हैं ठीक है जी उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे के जी कौन से जो पेपर्स हैं उन, उनके अंदर हमने क्वेश्चन स्किप करने हैं और कौन से करने हैं ठीक है जी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ठीक है जी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि वन पेपर की तैयारी करने हैं ठीक है जी और अपनी आप राय का इजहार कर सकते हैं ठीक है जी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ठीक है जी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़